दोस्तों आज बात करेंगे अब की बार किसकी सरकार। जब से देश आज़ाद हुआ आप सबको पता है सरकार किसकी थी, कांग्रेस की। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब वो पंडित कैसे हुए इसके बारे में तो चर्चा नहीं करेंगे, और उनके वंशज आज के तारीख में नेहरू से गांधी कैसे हो गए इस पे भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस पे चर्चा करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बात करते हैं मुद्दे की, अब की बार किसकी सरकार। देश जब से आज़ाद हुआ कांग्रेस की सरकार थी, और 2014 तक, 47 से 14 तक लगभग इन्हीं लोगों ने देश पे शासन किया, और 47 से ही इनका सिर्फ यही मुद्दा था, गरीब, दलित, किसान, बेरोजगारी। 47 से लेके 14 तक ये लोग इसी विषय पर बात करते आ रहे हैं, इसी पे वोट लेते आ रहे हैं, और इसी नाम से देश में राज भी करते आ रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि दलित दलित ही रह गए, बेरोजगार बेरोजगार ही रह गए, किसान किसान ही रह गए, और गरीब गरीब ही रह गए। पर ये लोग इनके नाम पे इतने अमीर हो गए कि आज के समय में देश के हर कोने में, हर शहर में इनकी एक शाखा होगी कम से कम। इनके नाम पे कुछ न कुछ तो आवंटन हुआ ही होगा, बिल्डिंग है, कुछ है, कुछ न कुछ तो है ही हर शहर में। और उतना तो इनको खाली भाड़ा आता होगा कमाने के जरिए, बेच दें अगर ने तो भी इनकी कई सैकड़ों पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, अय्याशी करेंगी, ऐश करेंगी, खाली दलित गरीब किसान और बेरोजगारी के नाम पे, सोचो। लेकिन अब भी सत्ता की सनक इतनी है कि फिर भी इनको सत्ता चाहिए, और उसी नाम पे चाहिए जिस नाम पे देश को लूटते आ रहे हैं। अब आप खुद सोच सकते हो इतना कि जब इतने दिन में भैया तुम लोग गरीबी नहीं हटा सके, किसान को अमीर नहीं बना सके, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए, तो अब कैसे दे दोगे? कुछ नया इनके पास फार्मूला तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात, एक बात और बता दें, इन्हीं से अलग हो के जितनी भी भारत में पार्टियां बनी हैं ना, इन्हीं के मुद्दे से हटाने के लिए, इनके मुद्दे से हटाने के लिए ही पार्टियां बनी हैं कि कांग्रेस को हटाया जाएगा। ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और आज की तारीख में अगर कोई मैदान में उतर के कीचड़ साफ करना चाहता है तो वही पार्टियां फिर उन्हीं के चरणों में जाके नाक रगड़ के फिर सत्ता मांगने की लालच में पड़ी है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इतना सोच सकते हो कि जो आदमी या जो पार्टी या जो नेता मंत्री आज तक कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ उसी राह पे चलते रहा, तो आज हम कैसे भरोसा कर लें कि तुम कुछ नया करोगे देश में? कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने जब देश आज़ाद हुआ तो सुई से लेके ये कर दिया वो कर दिया। अरे भैया, घर की जिम्मेदारी अगर आपकी होगी तो आप कुछ न कुछ तो करोगे, खाली तो बैठोगे नहीं। कम से कम शाम सुबह जाओगे भाजी और खाने की व्यवस्था के लिए तो करोगे कुछ न कुछ परिवार के लिए। तो अपने दिमाग की बत्ती जलाइए, और अगर नहीं जलती है तो थोड़ा मेंटोस वेंटोस खाइए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या परिवर्तन देश में होना चाहिए, क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। तो अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। आज अगर आप बोलेंगे अरे मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, मैं BSP का हूँ, मैं JDU का हूँ, मैं इस पार्टी का हूँ, मैं फलाना ढिमका, इतना करोगे और अपनी पार्टी को जाके वोट दोगे, वो आपका वोट कहाँ जाएगा? गठबंधन में जाएगा, मतलब उसी कांग्रेस को जाएगा जिसको आप नहीं देना चाहते हो। जिस कांग्रेस को आप वोट नहीं देना चाहते हो, उससे दूर हट के अपनी पार्टी को देना चाहते हो, तो भी आपका वोट वहीं जा रहा है। तो इतना घुमा घुमा के जलेबी छान के वोट देने की क्या ज़रूरत है?
सीधा सीधा एक ही जगह पे, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, जो मैदान में उतर के इनकी कीचड़ को साफ करना चाहता है। ठीक, आज का मेरा वीडियो इसी मैटर पे था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और जो भी अगर आपकी राय है आप कमेंट में कर सकते हो, ठीक, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो।